चरणों में नतमस्तक करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष कार्यशाला में जो हमारे बाल साहेब श्री दसमाना जी मेरे विद्वान साथी। विजन सबसे बड़ी चीज होती है, विजन माने सोच। आज आपको बंगाल से आई हुई एक लड़की जिन पेड़ पौधों को हम लगा रहे हैं उनकी गुणों से अवगत करा रहे हैं और हम इन चीजों साथ भी क्या है, हमें इनके बारे में पता ही नहीं है। हमारे पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमको इसके बारे में कुछ जानकारियां नहीं है। आखिर क्यों, किस लिए? दूसरों पर निर्भर होना सीखा और जो दूसरों पर निर्भर होना सीखा उसका अंजाम ये रहा, अंत करता हम ऐसे जगहों पर गए जहां हम दूसरों पर डिपेंड रहना सीखा। 12 पास करने के बाद हमारा विजन ये रहा कि या तो हमें गाड़ी चलानी है या तो हमें होटलों में काम करना है। यही दो विजन लेके हम आगे चल रहे, आगे की शिक्षा प्राप्त कर रहे। क्या हमने अपनी सोच को इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया कि क्या मुझे आईएएस बनना है, क्या मुझे बीएससी बनना है? क्या हमने कभी भी उस सोच को अपना विकसित नहीं किया, हमने उस सोच को आगे नहीं लेके जिस कारण से हम दूसरे पर निर्भर हो गए। तो ये पेड़ पौधे किस तरीके से पानी शुद्ध करते हैं, कैसे हमारे रिंगाल के क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हम अपने गांव में एक फल पट्टी बनाए, कैसे हम यहां पर जो है कि रोजगार मुहैया अपने लोगों को ही कराए। ना तो हम होटलों पर निर्भर रहेंगे और ना ही हम किसी पर निर्भर रहेंगे, लोगों को स्वरोजगार देने वाले बनेंगे। ऐसी विचारधाराएं हमारे अंदर आने चाहिए। भरोसा होना नहीं पड़ेगा। मनरेगा के चक्कर में बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम हो रहा है। जैसे महिला मंडल का भी जितना भी महिला है वो लोग ग्राम प्रधान प्रधानी लोग का गुलामी करते सोचे गलत है। मनरेगा के माध्यम से इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता कि आप उन पैसों को पुस्ते और दीवारों में ही नहीं लगाए बल्कि अपने पहाड़ों में जो रोजगार होते हैं, गाँव में जो हमारे स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको लागू कर दिया था। एक ऊंची सोच विचारधारा लेके आप आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। शबाना खातून ने जो चीजें आपको बताए हैं, देखो शिक्षा लेने से कहीं भी चूक नहीं गए। उन्होंने शास्त्रों की बात यहाँ पर की कि हमारे शास्त्र कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है।